हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डेबिंग। हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉरपोरेट फाइनेंस, और आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो ये डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर जो है एक लोन टाइप होता है, एक लॉन्ग टर्म का डेब्ट होता है, हमारे ऊपर एक कर्जा होता है जो कि कंपनी द्वारा इशू किया जाता है फंड्स को रेस करने के लिए। पब्लिक में ये इशू किया जाता है फंड्स को रेस करने के लिए, और ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी इशू किया जाता है। और ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो है ये एक इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है जो कि पे किया जाता है कंपनी द्वारा डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होती है। तो जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर होता है ये टिपिकली कैलकुलेट किया जाता है कूपन रेट द्वारा। कूपन रेट मतलब कि एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट एज परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। तो एनुअल इंटरेस्ट जो होगा उसकी परसेंटेज जो होगी वो फेस वैल्यू मानी जाती है जो कि पे की जाती है डिबेंचर होल्डर्स को। थर्ड आ जाता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये रिप्रेजेंट करता है सारे फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को। ये रिप्रेजेंट करता है सारे फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को जो कि डेब्ट फाइनेंसिंग में या इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या प्रॉफिटेबिलिटी को। ये इसके जो इसको इस्तेमाल किया जाता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स को। अब इसमें फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा रिस्क। तो डिबेंचर जो है ये यूजुअली सिक्योर्ड होते हैं कंपनी के एसेट के द्वारा, एसेट के अगेंस्ट में, कि अगर अगर सिक्योरिटी के रूप में ये होते हैं। इसमें रिस्क जो होता है ये डिबेंचर जो हैं सिक्योर्ड होते हैं कंपनी के एसेट के अगेंस्ट में, अगर रैंक हाइयर आती है इक्विटी टर्म्स में ऑफ रीपेमेंट प्रायोरिटी, तो ये कंसीडर किए जाते हैं सबसे लेस रिस्क की कंसीडर किए जाते हैं इक्विटी कैपिटल में। अब हम प्रीफ्रेंस एंड इक्विटी कैपिटल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रीफ्रेंस कैपिटल होता है कि ये रेफर किया जाता है कि कैपिटल जो कि रेस की गई है कंपनी द्वारा जो कि प्रिफरेंशियल राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड्स एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ लिक्विडेशन। प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर डू नॉट यूजली हैव वोटिंग राइट्स। तो प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, और ये एक कैपिटल रेस की जाती है। प्रेफरेंस कैपिटल एक तरीके से कैपिटल को रेस किया जाता है जिसमें कि राइट्स जो होते हैं इक्विटी के वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, और इसमें डिविडेंड मिलता है और या फिर रीपेमेंट मिलता है के कैपिटल के लिक्विडेशन के टाइम पे। कैपिटल को जब हम बिजनेस को क्लोज करते हैं उस टाइम पे इसका डिविडेंड मिलता है। इक्विटी कैपिटल क्या होता है कि इक्विटी कैपिटल जो होता है ये फंड जो है कंट्रीब्यूट किए जाते हैं ओनर्स द्वारा। ओनर्स भी हो सकते हैं और शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं कंपनी के, और इनके पास रेसिडुअल क्लेम रहता है कंपनी की एसेट के पास, कंपनी की एसेट का और अर्निंग और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद। इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होते हैं जो कि ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिविडेंड, जब डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस टाइम पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इक्विटी कैपिटल रिप्रेजेंट्स फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स। तो फंड्स जो है कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ओनर्स द्वारा, और जो कंपनी है हु हैव रेसिडुअल क्लेम्स ऑन कंपनी एसेट एंड अर्निंग्स। तो कंपनी की एसेट और अर्निंग पे जिनका रेसिडुअल क्लेम्स रहता है उनको सारी लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद ये जो फंड्स होते हैं उन्हें माना जाता है। अब इसकी कॉस्ट और रिस्क देख लेते हैं। तो प्रीफ्रेंस कैपिटल जो है जनरली फिक्स्ड डिविडेंड रेट देता है
और इक्विटी कैपिटल, वहीं पे इक्विटी कैपिटल जो है एक कॉस्ट कॉस्ट देता है डिविडेंड पेमेंट के टाइम पे, और पोटेंशियल डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप थ्रू न्यू इश्यूएंस। तो जब जब न्यू इशू किए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर, तो पुराने वाले का डाइल्यूएशन क्या कर दिया जाता है, डाइल्यूट कर दिया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी देख लेते हैं, तो इक्विटी कैपिटल जो है फ्लेक्सिबल माना जाता है, क्योंकि इसमें डिविडेंड एडजस्ट किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी द्वारा। वहीं पे जो प्रीफ्रेंस डिविडेंड है वो फिक्स्ड माना जाता है। अब पढ़ लेते हैं कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ कैपिटल। तो इसमें जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ कैपिटल जो होता है वही होता है कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो कैपिटल होता है उसमें कई तरीके का मिक्स होता है, जैसे कि डेब्ट हो गया, प्रीफ्रेंस शेयर हो गया, या फिर इक्विटी शेयर्स हो गया। ये एम्प्लॉय किया जाता है कंपनी द्वारा फाइनेंशियल असेट्स के लिए। इसकी कैलकुलेशन होती है कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कैपिटल के कंपोनेंट द्वारा। जो पहले कॉस्ट आती है, पहले हमें कॉस्ट निकालनी पड़ती है, स्पेसिफिक कॉस्ट, फिर स्पेसिफिक कॉस्ट को हम कंपनी की जो कैपिटल के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि डेब्ट हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, या फिर इक्विटी शेयर हो गया, उनसे मल्टीप्लाई किया जाता है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो जो फिर उसका जो वैल्यू आती है, उन सब वैल्यू का टोटल किया जाता है, और टोटल वैल्यू को डिवाइड किया जाता है जो कंपनी की कैपिटल होती है, जो कॉस्ट आई होती है, स्पेसिफिक कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। अब इसका यूज़ जो है, इसको वेटिंग कैसे दी जाती है, तो वेट जो है डिटरमाइन किए जाते हैं प्रपोर्शन के द्वारा, कि कैपिटल में हम कितना इक्विटी का प्रपोर्शन यूज़ कर रहे हैं, कितना हम प्रेफरेंस शेयर का प्रपोर्शन यूज़ कर रहे हैं, कितना हम इक्विटी शेयर का प्रपोर्शन यूज़ कर रहे हैं, उसके द्वारा वेट्स असाइन किए जाते हैं, और फिर उन वेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है कैपिटल के कंपोनेंट्स द्वारा। अब इसका यूज़ जो है, यूज़ देख लेते हैं, तो ये कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये यूज़ किया जाता है डिस्काउंट रेट द्वारा, जिससे कि इवेल्युएट किया जा सके न्यू प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट का। तो न्यू प्रोजेक्ट या फिर इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट किया जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल द्वारा, और ये रिफ्लेक्ट करता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड जो कि यूज़ किए गए हैं कंपनी द्वारा। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।